अपनी मांगों के लेकर सेविका सहायिका का आज पांचवें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इन लोग की मुख्य मांग है वेतन को सरकार बढ़ाकर लागू करे, साथ ही इसका समर्थन आज भाजपा के कई नेताओं ने दिया है। साथ ही इन लोगों का कहना है कि इतने में इन लोगों का पेट नहीं भर रहा है, सरकार इनका वेतन बढ़ाकर इन लोग की जो मांग है ये पूरा करे। सुनिए क्या बोली सेविका सहायिका का प्रखंड अध्यक्ष कुमारी। प्रखंड अध्यक्ष तुरकौलिया पूर्वी चंपारण, हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 29/9/2023 से हम लोग, ये पांचवा दिन आज हम लोगों का है धरना प्रदर्शन का। हम लोग 14 अक्टूबर तक हम लोग ये माने अपने प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि को अपना लेटर सौंपेंगे और फिर 2 नवंबर से हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इतना से भी अगर सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हम लोग बाध्य होकर डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम 20 नवंबर से हम लोग पटना में करेंगे। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जब तक सरकारीकरण, सेविका का सरकारीकरण नहीं किया जाता है तब तक सेविका को 25,000 और सहायिका को 15,000 सरकार दे। का समर्थन देते हुए भाजपा नेता कुंदन पासवान सुनिए क्या बोले। मेरा यही कहना है कि आंगनबाड़ी के सेविका बहनों और माताओं को के साथ हम कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं और 5,950 रुपया में आजकल किसी मतलब एक मजदूर का मजदूरी नहीं होता है वो, और ये लोग मतलब सबसे कम पैसा में अपना मतलब 24 घंटा ये लोग मतलब सेवा देता है। लोग सरकार से मांग करते हैं से कम इन लोगों को 25,000 रुपया इन लोगों का मानदेय दिया जाए, ताकि सहायिका को 15,000 ताकि अपने परिवार को अच्छा से भरण मतलब पोषण कर सके लोग। वहीं किसान मोर्चा के भाजपा जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह कुशवाहा ने कहा कि इतने कम मानदेय से इन लोगों की बच्चे का परवरिश नहीं होती है, सरकार इनकी वेतन बढ़ाकर जो मांग है वो पूरा करे। समर्थन इसलिए हम कर रहे हैं कि जो सेविका बहने हैं जो सहायिका बहने हैं वो अपने केंद्र पर 40 लड़के का सेवा करती है, 40 लड़का बाहर से भी करती है, 10 अर्धात्री और 10 गर्भवती का भी सेवा करती है, उसके एवज में इसको केवल 5,950 रुपये दिया जाता है जो आज एक मजदूर की मजदूरी से कम है। यह इतने लोगों की सेवा करती है, इतने लोगों के परिवार का मतलब बच्चे आते हैं उनके देख रेख करती है, उनकी सेवा करती है, वो खाया कि नहीं खाया, लड़का पढ़ा कि नहीं पढ़ा, उसकी पूरे हाल चाल रखती है। लेकिन सेविका दीदी या जो सहायिका दीदी का जो बच्चे हैं उनका अपना ही हाल चाल लेने में पैसे के अभाव में मैंने अपना हाल चाल नहीं ले पाती है। इसलिए हमने अभी तय किया है कि सेविका बहने या सहायिका बहने की जो लड़ाई है इसमें हम कदम से कदम मिलाकर चढ़ेंगे, चाहे ये लड़ाई ब्लॉक से लेकर के अगर जिला तक लड़ना होगा, चाहे प्रदेश में लड़ना होगा, तो कदम से कदम मिलाकर हम लड़ेंगे। यह तय किए हैं कि कम से कम इनका मानदेय सेविका बहने का मानदेय 25,000 रुपया करे, सहायिका का 15,000 करे कम से कम, और राज्य सरकार का जो कर्मी होता है उस कर्मी का दर्जा दे।